वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मैं आप लोगों के साथ ये लुक शेयर कर रही हूँ। एक गेट रेडी विद मी है। ससुराल का एक फंक्शन था, मैंने अटेंड किया था, तो मैं ट्रेडिशनल तरीके से रेडी हुई थी। सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को कितने ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, एकदम रेड एंड पेनफुल भी थे, क्योंकि यू नो एटमोसफेयर था, ससुराल का चेंज हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेकआउट्स हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये विटामिन सी का सीरम यूज़ कर रही हूँ। 20% सीरम है ये, बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई पैराबेन सिलिकन नहीं है। ये आप पूरे यू नो ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है। इसके अंदर विटामिन सी, हेज़ल हायलुरोनिक एसिड है, 100% नेचुरल है, स्किन को बहुत सूट करता है एंड इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। देन मैं यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि ये डे टाइम का लुक है। तो मेरे को ये ब्रेकआउट्स के लिए धीरे 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 अभी कम हो रहे हैं, और ये मैंने एटलीस्ट 15 डेज़ पहले ये लुक यू नो आपके साथ शूट किया है और मैं आप शेयर करूँ। अभी तक मेरी स्किन में बहुत चेंज हो चुकी है। सो जब भी आप नई जगह शिफ्ट होते हो तो आपकी यू नो स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पर्ल इल्यूमिनेटर फेस पे ग्लो लाने के लिए। तो या इसके अलावा हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे कंसीलर। सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी फाउंडेशन टुडे, क्योंकि अगर आप यू नो बहुत ज़्यादा बेस भी अप्लाई करते हो और आपकी स्किन को ब्रीद लेने के लिए नहीं मिल रहा है स्पेस, तो भी आपको ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ कंसील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आपको बहुत ज़्यादा यू नो रेड स्पॉट्स हो रहे हैं जो आप देख सकते हो ब्रेकआउट्स में, उनको हाइड कर रही हूँ जस्ट बिकॉज। तो इसलिए मैंने कंसीलर यूज़ किया है और काफ़ी हद तक हाइड भी हो गए हैं। देन सेटिंग पाउडर से सेट कर रही हूँ यहाँ पे मैं, और मेरा फेवरेट सेटिंग पाउडर है यस ऑब्वियसली मेबलिन का लूज पाउडर। तो यहाँ पे बेस ऑलमोस्ट रेडी है। आई मेकअप के लिए मैं पर्पल ले रही हूँ। वैसे मेरे सूट के अंदर येलो एंड पिंक है, बट पर्पल एंड पिंक का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ। तो एक हेलो आइज़ मैं क्रिएट कर रही हूँ गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो। गोल्डन को सेंटर में लगा रही हूँ एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, एंड उसके बाद आई लाइनर मैं लूँगी। सेम पर्पल को मैं लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई कर रही हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है अपने ब्राउज को मैंने ग्रूम नहीं करवाया है। शादी के टाइम पे लास्ट करवाया था, जब मेरी प्री ब्राइडल सेटिंग चल रही थी। एंड गाइज मैंने अपनी प्री ब्राइडल सेटिंग की भी कंप्लीट यू नो शूट किया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम के बाद काजल अप्लाई किया। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैक का काजल, काफ़ी ब्लैक एंड जेड ब्लैक काजल है, एंड उसे अपनी फिंगर की हेल्प से ही स्मोक आउट कर रही हूँ। आप सोचोगे मैं इतनी जल्दी जल्दी मेकअप क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ को उसी दिन ही एयरपोर्ट निकलना था, दोनों सिस्टर इन लॉ को, वो मुंबई रहती हैं, तो इसलिए मैं वो जल्दी जल्दी मेकअप करी थी। और उसके बाद फिर हमें बुआ जी के घर निकलना था। तो ब्लश भी आप देख सकते हो इतनी जल्दी जल्दी लगा रही हूँ, ये कलर बार का ब्लश है। एंड देन आई एम यूजिंग ब्यूटीफुल मिलानी की लिपस्टिक ये, एंड उसके ऊपर टॉप कर रही हूँ मैं ये पिंक कलर, क्योंकि मेरे सूट में पिंक था तो मुझे थोड़ा सा पिंक का भी टिंच चाहिए था। हाइलाइटर मोस्ट फेवरेट दिख गया हमें प्रिंट का। नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस बॉडी क्यूपिड का रोज ऊद, वेरी रियली नाइस फ्रेग्रेंस। सो या आई एम यूजिंग दिस, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल ज्वेलरी। बाय द वे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कौन सी ज्वेलरी है, तो ये गोल्ड की ज्वेलरी गाइज। सो या दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मेक श्योर टू चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्रोडक्ट की डिटेल्स नीचे मिल जाएंगी। बाय, टेक केयर।